हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्त्री साहब। ये हमारा घर बना रहे हैं, हम इनको लिवाला है कि हाँ चलिए हमारा घर बनवा दीजिए। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे काम चल रहा है, मसाला भी बन गया है और यहाँ ईंट उतर रहा है। अभी हम ईंट भी मंगवाए हैं भट्टे से, क्योंकि आधा काम तो फाइनल हो चुका है। अब हम इनसे जानेंगे कि मतलब जो भी मेरा मकान बन रहा है उसका एरिया तो हमको पहले से ही पता है कि 40x21 का है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि मतलब 40x21 में कितना मटेरियल लग जाएगा, अप्रोक्स कितना ईंटा लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, कितना मोरंग लग सकता है, छत के लिए सरिया कितना डाल सकते हैं। तो हम आज इनसे जानेंगे कि अगर किसी भी पुअर फैमिली को अपना घर बनवाना हो तो कम से कम बजट में कैसे उसको फाइनल करवा सकता है। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है तो हम अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये मिस्त्री साहब से आप लोगों को हम मुलाकात भी करवा देंगे। बहुत ही बेस्ट मकान बनवा रहे हैं, अकेले ही हमारा पूरा मकान बनाने को कहे हैं कि हमको किसी और का ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे जानते हैं। मिस्त्री साहब अपना नाम बताइए। महेंद्र यादव। इनका नाम महेंद्र यादव, चूँकि यादव परिवार है पूरा दोस्तों, ये भी यादव हम भी यादव हैं। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मतलब अब इनसे जो आपको जानकारी मिलेगी आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला। तो ये बताइए कि इसमें जो 40x21 का मकान बन रहा है इसमें कितना ईंटा लग सकता है? इसमें कम से कम कितना भी जाएगा तो ये मान के चलिए कि बुनियाद से लेकर सीलिंग तक का आपका 46 ईंटे खा जाएगा, 12,000। बुनियाद से लेकर कहाँ तक का? सीलिंग तक का। ये बोल रहे हैं कि करीब तकरीबन 46 ईंट खा जाएगा। और इसमें गिट्टी अप्रोक्स और मोरंग का क्या बात कहेंगे आप? दो टाली आपका लगेगा मोरंग। उसमें आपका रहेगा तो उसे पीला जो हम लोग डालते हैं, हाँ। पीला डालेंगे, स्लेब बनेंगे, उसके बाद सेलिंग पे जाएंगे। तो ये बताइए कि आप जब सेलिंग पे जाएंगे उससे पहले कितना मटेरियल खर्च करवाएंगे? उससे पहले आपका दो टाली मोरंग लगेगा, दो टाली सादा बालू और गिट्टी कितना लगेगा? गिट्टी आपका एक टाली गिट्टी लगेगा। तो और उसके सेलिंग के नीचे कितना ईंट खर्च हो जाएगा? सेलिंग के नीचे आपका छः टाली ईंट लगेगा, 12,000 सेलिंग के नीचे। और हम बात करना चाहेंगे कि अगर आपका पूरा फाइनल होने के बाद आदमी छत पे जाता है, छत को लगवाने में 40x21 का छत है, उसको गिट्टी का छत डलवाना हो तो कितना गिट्टी और कितना छड़ अप्रोक्स, और उसके बाद जो है सीमेंट भी बताएंगे आप कि सीमेंट उसको कितना लाना पड़ेगा? उसमें आपका पड़ जाएगा टोटल 210 फुट आपका गिट्टी पड़ेगा, 210 फुट आपका मोरंग बालू और 65 बोरी आपका सीमेंट पड़ेगा। 65 बोरा सीमेंट लगेगा। तो इसमें सरिया कितना लग सकता है? इसमें सरिया आपका कितना जाएगा तो 5 क्विंटल। 5 क्विंटल अप्रोक्स, 5-6 क्विंटल सरिया लग सकता है। और हम जानना चाहेंगे कि सरिये का क्या मैक्सिमम उसका साइज होना चाहिए? उसका साइज 6x6 का वो बना जाएगा सेलिंग के लिए। 6x6 का सेलिंग के लिए बना जाएगा। 3 सूट लगेगा या 4 सूट लगेगा वो आपके ऊपर की बात है। कौन सा बेस्ट होता है? बेस्ट तो आपका 4 होगा, 4 फुट वाला बेस्ट होता है। आइए दोस्तों हम देखेंगे कि इनसे जो भी मुलाकात हुई, हमारी बात हुई, इससे आप लोग भी यहाँ गिरने का काम चालू है। अभी 8-10 दिन और हमारा मकान बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मसाला भी बना जा चुका है। सुबह का टाइम अभी काम शुरू होने को है, तो हम सोचे कि इनसे जानकारी लेके आप लोगों तक शेयर करें, ताकि आप लोग भी अगर मकान बनवाना चाहते हैं तो इन्हीं के जो अभी बताएं कि जितना मटेरियल लगने वाला है उसी के अप्रोक्स आप लोग मटेरियल लगभग, क्या हम ये जानना चाहेंगे तकरीबन टोटल मकान फाइनल करवाने में कितना बजट बन सकता है, ये आप बता दीजिए। पूरा मिला जुला कर मीन्स टोटल आपका बुनियाद से लेकर ऊपर तक का मीन से कितना भी जाएगा तो 6-7.5 लाख रुपए जाएगा। इनका कहना है कि करीब 6-7.5 लाख तकरीबन 7 लाख रुपए के अप्रोक्स में जाएगा कि आपका मकान फाइनल होने तक। और हम चाहेंगे कि मतलब ये आप कारीगर हैं, आपका क्या रेट चल रहा है उत्तर प्रदेश की बात बताएं आप? हमारे उत्तर प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में यूपी गोरखपुर हमारा रेट जिले से जी 700 रुपये का रेट हर जगह मिस्त्री का रेट ये बता रहे हैं कि 700 रुपये लगेगा। टोटल मकान बनने में कितना टाइम लगेगा? 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन, कितना टाइम लग सकता है? मान के चलिए कि 20-25 दिन। 20-25 दिन हम मान बुनियाद के ऊपर, बुनियाद के नीचे नहीं, एक बुनियाद के ऊपर 1 महीने जा सकते हैं। बुनियाद के ऊपर ये बता रहे हैं कि 20-25 दिन, यानी हम 10 दिन और पकड़ ले रहे हैं नीचे का। हेलो, तो ठीक है दोस्तों, हम इनसे आप लोगों का परिचय करवा चुके हैं और हम आगे ले चलते हैं अपने घर की तरफ। थोड़ा सा दीवार दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, और भी वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन जो है अभी जो है आप लोग इसको देख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, जो है
कि मतलब कैसे क्या क्या होता है, तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। मेरे चैनल को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।